रही है एजुकेशन माफियाओं पर भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन। देखिए, स्कॉलरशिप के नाम पर करोड़ों की लूट मचाने पर एक्शन हुआ है। 7 निजी यूनिवर्सिटीज के साथ 305 शिक्षण संस्थाएं ब्लैकलिस्टेड हैं। अजमेर की भगवंत यूनिवर्सिटी, जयपुर की निर्वाण यूनिवर्सिटी, झुंझुनू की श्रीधर, लालसोट की श्याम, झुंझुनू की सिंगानिया, अलवर की सनराइज यूनिवर्सिटी को सरकार ने डिबार कर दिया है। छात्रवृत्ति के फर्जीवाड़े के बाद में शिक्षण संस्थाओं में अड़कम मचा। फर्जीवाड़ा करने वाले सभी यूनिवर्सिटी संस्थाओं पर FIR होगी। शिक्षा के माफियाओं से सामाजिक न्याय विभाग करेगा रिकवरी। सामाजिक न्याय सचिव समित शर्मा के एक्शन के बाद ये बड़ा असर दिखाई दे रहा। आशीष चौहान हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। आशीष, एक बड़ा फर्जीवाड़ा और उस पर बड़ी कार्रवाई माने, कितनी यूनिवर्सिटीज जो है इसकी जद में आई है इस एक्शन की? देखिए, लगातार जिस तरीके से शिकायतें आ रही थी, जांच चल रही थी तमाम शिक्षण संस्थाओं की, तो उसके बाद में सामाजिक न्याय विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तमाम जो तमाम जिनकी जांच चल रही थी और गड़बड़ी सामने आ रही थी, और जांच में ये सामने आया कि ये तमाम जो संस्थाएं हैं वो गड़बड़ी कर रही थी, वहां पर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा था। 9 निजी विश्वविद्यालय, जिसमें भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, और जिस तरीके से श्रीधर, श्याम और ये सिंघानिया, सनराइज, ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज के साथ 305 शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। बड़ा यहाँ पर एक्शन हुआ है। जिस तरीके से भजनलाल सरकार आते ही लगातार जो एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सामाजिक न्याय विभाग के जो सचिव है समित शर्मा, वो लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। पहले से ही लगातार वे जिस तरीके से छात्रवृत्ति पोर्टल भी उन्होंने बनाया था, और उसके बाद में ये जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आ रही थी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था। और जयपुर में ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी जो है, उसमें भी जिस तरीके का जो गड़बड़ झाला है वो वहां पर देखने को मिला था, और चोरी भी पकड़ी गई थी। तो सीधे तौर पर जो लगातार जो फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की यहाँ पर कोशिश है, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है। 305 एक बड़ा यहाँ पर फिगर जो है वो देखने को मिला है। 305 जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर जो फर्जी स्कॉलरशिप के नाम पर जो लूट चल रही थी उसको रोकने का प्रयास कर रही है। अब इनके खिलाफ FIR होगी, और इसके साथ साथ FIR के साथ साथ उनकी जो रिकवरी है, जो पैसे लूटे हैं उनकी भी रिकवरी अब सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी कि निश्चित तौर पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी, और इसके साथ साथ जो ये संख्या जो है और अधिक बढ़ सकती है। यानी कि शिक्षण संस्थाओं में हड़कंप मचा हुआ है इस कार्रवाई के बाद में। जी, शुक्रिया आपका आशीष, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। एजुकेशन माफियाओं पर भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन।